हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए पहले कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो पहले एक बार चैनल का मेरा यूट्यूब चैनल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स। इसका ये वाला इसका इंटरफेस है। ये जो है आज का लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्डिंग का वीडियो है, जहाँ पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम करते हैं। वहाँ पे मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और ये वाला जो है एपिसोड 9 जो है कल का एक्सपायरी का जो था, फिर निफ्टी का आज का एक्सपायरी था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वाला डेली एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था। अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल जो है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम डेली लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये आज के लाइव का स्ट्रीम का जो है लिंक मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप में। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने सुबह 9:28 पे 21,000 का सी मैंने दिया था, 105-110 जिसका 95 पे SL था, और वो एक्टिव होने के बाद में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने 11 पॉइंट का हमें गेन दिखाया, और 11 पॉइंट हमने बुक कर लिए थे। ये वाला जो था जो छोटा सा SL के साथ में हमने स्कैल्प ट्रेड लिया था पी के साइड में, तो जिसमें हमारा 6 पॉइंट का SL कट गया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमने 21,100 का पी दिया था 11:19 पे 110-112 पे, जो एक्टिव थोड़ा सा लेट हुआ, तो मैंने एंट्री करने के लिए 115 का सबको बोला था ग्रुप में बोला था 115 पे बाय करके 99 का SL लगा दो। तो लगभग उसने जो है हाई अभी क्लोजिंग के टाइम पे जो मैंने लास्ट में देखा था, तो उसने लगभग 190-295 के आसपास कुछ दिया था, मैंने क्लोजिंग देखा नहीं उसका। तो मैंने जब बुक करने के लिए बोला था 145 पे, मैंने बुक करने के लिए बोला था पूरा प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि लग नहीं रहा था कि निफ्टी इतना बड़ा फॉल देने वाला है। तो जो लेवल थे हमारे, मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल पे मैंने बुक करने के लिए बोला था, तो 115 से लेके 145 तक मैंने बुक करने के लिए बोला था। उसके बाद में अगर देखेंगे तो मैंने एक फिर निफ्टी का 0-0 ट्रेड दिया था, ये वाला 21,200 का पी मैंने दिया था 12 रुपये को, 12 से 15, और जिसका SL था 5 रुपया। तो लगभग उसने भी 39 रुपीज़ का हाई मारा है, हाई लगाया है, 39 का हाई लगाया है। मैंने चार्ट देखा नहीं बाद में, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। और अभी इवनिंग लास्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने 2:58 पे एक BTST ट्रेड दिया है, निफ्टी का 20,850 का पी दिया था मैंने, 40 से लेके 45 रुपीज़ का मैंने बाइंग बताया था सिर्फ एक लॉट में, जिसका मैंने ये वाला ऑडियो क्लिप डाला था निफ्टी का, ये वाला ऑडियो आप सुन निफ्टी का 20,850 का जो पी है अभी 50 रुपये चल रहा है, 45-50 रुपये में एक लॉट उठा लेना BTST के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, एक ही लॉट। तो एक लॉट मैंने BTST के लिए बाय करने के लिए बोला था जब 45-50 रुपीज़ चल रहा था, तो मैंने ये ग्रुप में अपडेट दिया था कि 40 से लेके 45 रुपीज़ तक, 40 से 45 रुपये तक आप एक लॉट होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप नए हो, चैनल से जुड़े नहीं हो अभी तक, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लेना। अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये जो QR कोड दिख रहा है, उसको भी आप मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो डेली का एनालिसिस करते हैं। तो कल का जो एनालिसिस वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें क्लियरली बोला था कि यहाँ पे रिवर्सल हैमर मुझे दिख रहा है, कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है, तो एक सेलिंग एक्सपेक्टेड था। उस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड किए थे। तो अगर देखेंगे आज, तो हमें बेरिश क्लोजिंग आज मिली है बैंक निफ्टी में, तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये जो लेवल्स हैं मैंने पहले से ही प्लॉट करके रखे हुए हैं। मैं डेली एनालिसिस वीडियो जो बना था उसमें मैंने प्लॉट करके रखे हैं, तो अभी तक वो वैलिड है, इसलिए मैंने अभी तक नए वाले नहीं बनाए। तो कल जैसे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट या इस रेंज में अगर खुलता है, यहाँ से नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे के लिए ये वाले टारगेट रहने वाले हैं। ये अगर देखेंगे आप, और नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो ये वाले नीचे की साइड में टारगेट हो सकते हैं अगर मार्केट बेरिश होता है तो। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज के नीचे 946,980 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, तो हम बेरिश साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं टिल 46,744 के लिए। उसके नीचे अगर निकलता है तो ये वाला जो डेलो है वहाँ तक का हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है, 46,650 या 60 का हमारा टारगेट होने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या इस रीजन में अगर ओपन होता है और यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे नीचे के टारगेट्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है 47,230 के ऊपर अगर निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 47,450 का रहेगा, और अगला टारगेट सेकंड टारगेट जो रहेगा 47,585 का रहने वाला है। लेकिन जैसे चार्ट पे दिख रहा है आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर ट्रेड करना है लॉन्ग के लिए आज अगर जाना है तो कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं। और नीचे के साइड में अगर देखेंगे तो हमें नीचे के साइड में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम में या कल के लिए। एक्सपायरी ये हो सकता है डाउन साइड के लिए ट्रेंडिंग भी हो जाए, तो नीचे की साइड के लिए ये वाले टारगेट्स होने वाले हैं। 46,370 का भी एक टारगेट है, ये वाला जो गैप फिलिंग बाकी था, ये भी मार्केट यहाँ पे हालांकि हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार लो टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है कल के लिए। तो चलिए देखते हैं, अभी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो निफ्टी का भी डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, एक बार मैं ये हाइड कर देता हूँ। निफ्टी का भी अगर देखेंगे तो नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है, और निफ्टी के लिए नीचे के साइड में अगर देखेंगे, ये मैंने सुबह ही अपने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि अगर लॉन्ग हमें करना है तो उसमें छोटे छोटे टारगेट्स हम बुक करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पूरा बुल रन दिया है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी में भी, तो इसका रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है। तो रिट्रेसमेंट हमें पेंडिंग दिख रहा है, जो कि अभी आते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेली क्लोजिंग में एक अच्छा सा नेगेटिव कैंडल हमें मिला है। तो चलिए देख लेते एक बार इंट्राडे में कौन से लेवल होने वाले हैं कल के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, इसके भी मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं जो कि अभी तक वैलिड है, और ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, कम से कम 31 तारीख या 1 दिसंबर को ही मैंने इसके अपडेट दिए हुए हैं। आप पीछे के जो एपिसोड्स हैं उसमें जाके आप लेवल्स चेकआउट कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेटली लेवल हमारे वर्क किए हैं। तो यहाँ पे जब था मार्केट, तो हमने एक सी का ट्रेड दिया था, एक सी का छोटा सा ट्रेड हमने पकड़ा था, और ये जो पी का था यहाँ से मैंने ट्रेड दिया था, और ये वाला जो मूव है हमने यहाँ तक पकड़ा था जो आपको मैंने टेलीग्राम में दिखाया। तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल था यहाँ पे हो सकता है बाउंस ले, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक करने के लिए बोला था। हालांकि उस वहाँ से भी जब नीचे गया तो काफ़ी अच्छा तगड़ा मूव दिया है इसने, तो 192 या 195 से तक उसका टारगेट आया है जो मैंने ये वाला दिया था बुक करने के लिए, जो बोला था 145 पे, तो उसने काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में टारगेट दिया है। ये वाला जो है 115 से मैंने जो बाइंग दिया था, तो इसने लगभग 195 का 198 या 195 का कुछ हाई बनाया है। तो अगर कल देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अगर कल के लिए मार्केट 9th फ्लैट अगर ओपन होता है और 20,850 या 160 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो हमारे लिए नीचे के लिए ये वाले टारगेट खुलने वाले हैं कल के लिए। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 20,830, सेकंड टारगेट रहेगा 20,772,
और थर्ड टारगेट रहने वाला है हमारा 20,750 से लेके 730 के, ये वाले जो टारगेट है ये हमें कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके ये जो स्विंग हाई यहाँ से अगर यहाँ पे फ्लैट भी ओपन होता है अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये रेजिस्टेंस मल्टीपल लगने वाले हैं मार्केट के लिए। और गैप अप ओपन होके सीधा यहाँ पे अगर गैप अप होता है 20,970 के आसपास तो ऊपर के लिए 21,000 हम एक बार टेस्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड के लिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर ऊपर की साइड